डियर बिकम पार्ट टू स्टूडेंट्स 2022 से 25 सेशन। बड़ी खुशी है आप लोगों ने कमेंट करके ढेर सारा पॉजिटिव चीजें बताई और ये भी खुशी है कि आपने बढ़िया पेपर दिया, वेरी गुड। अब आइए, मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। मैंने आपको ये भी अश्योर किया है कि समय मिलते ही आपने भी बोला है तो हम आपकी बात रखेंगे कि उसका छोटा छोटा वीडियो बना के अभी दे सके, अगर दे पाए। समय का अभाव होता है, हा? अभी फिलहाल इस वीडियो में PEDI इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आइए क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। उससे पहले क्वेश्चन बताने से पहले लोगों ने मेरे से मनी एंड बैंकिंग में पूछा कि ये 8 क्वेश्चन ही आया, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है EDI में। तो वही देखिए, मैंने एक अंदाज से गेस किया है, बाद बाकी ऊपर वाला ये गेस ही है ना। एक्चुअल क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत आप भी अपने से पढ़िएगा ना रे भाई। तो ये सबसे पहले PEDI का पहला क्वेश्चन, पूंजीवाद क्या है, व्हाट इज कैपिटलिज्म, इसके क्या गुण दोष है, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो पूंजीवाद के संबंध में हमको लिखना है, तीन होते हैं ना इकोनॉमी में, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों में थोड़ा थोड़ा अगर आप बढ़ाना भी चाहें तो तीनों के विषय में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। हाँ, कैपिटलिज्म के विषय में पूछा है तो उसका डिटेल आपको देना होगा, मेरिट और डिमेरिट। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में विदेशी व्यापार की संरचना में नवीन प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए, डिस्कस द न्यू ट्रेंड ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इसमें क्या देना है। देखिए, पिछले जब आजादी के पहले या आजादी के तुरंत बाद जिन जिन वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, अभी के समय में अब वो नहीं होता है। ट्रेंड प्रवृत्ति बदली है, अब चीजें बदल गई हैं, इकोनॉमी बदला है। जैसे इंडिया सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो बड़े इंपोर्टर्स में से एक है ऐसा बोले। तो ये जो ट्रेंड बदला है इसके संबंध में इस क्वेश्चन में लिखना है। तीसरा, डिस्कस द कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में लघु उद्योग के महत्व का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटेज उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। चौथा, डिस्कस द फूड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत में खाद्य समस्या, भोजन पानी बहुत कम है फिर भी कुछ तो प्रॉब्लम है, उसके संबंध में डिस्कस करना है कि खाद्य समस्या क्यों है। एक कारण, सबसे मेन कारण, कृषि पर आधारित होना और कृषि का मानसून पर आधारित होना। बारिश अच्छी होगी भाई, गृहस्थ का अच्छा खेती होगा, किसान के पास पैसा होगा, अनाज होगा, तो खाद्य समस्या नहीं आएगी। इसी को थोड़ा बड़ा करके एलैबोरेट करके लिखना है। नेक्स्ट, पांच, भारत में सहकारी खेती के महत्व का वर्णन करें, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग का इम्पोर्टेंस क्या होगा, सहकारी खेती का इम्पोर्टेंस, इसके विषय में आपको चर्चा करना है। छठा क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन करें, क्या इंपॉर्टेंस होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। आप गौर करके देखिए, अपने देश में भी प्लानिंग होता है, प्लानिंग कमीशन, ठीक, तो प्लानिंग कमीशन करके अब नाम नहीं है, नीति आयोग। तो नीति आयोग जो इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर के लिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बड़ा इंपॉर्टेंट, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में अंतर स्थापित कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ
एयर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, एविएशन भी बोलते हैं, एविएशन इंडस्ट्री, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वायु भारत में वायु परिवहन की प्रगति का वर्णन करें। कैसे एयरपोर्ट खुलने लगा है? तो भैया आप दरभंगा से भी जाने लगे हैं दूसरे जगह, ये पहले तो नहीं था, पहले केवल पटना से था। तो ये कैसे प्रगति हुआ है आपको आजादी के बाद से, इसकी चर्चा करनी है। फिर ये कुल मिला के 8 क्वेश्चंस हैं, कुछ अपने से कीजिए, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक, इन चीजों का भी करना जरूरी। कमेंट करके बताएंगे, समय मिलेगा हम जरूर वीडियो बना के छोटा वीडियो देंगे। साथ में ये भी बताएं, थोड़ा सर्च करेंगे ना चैनल पे तो पहले वाले वीडियो भी इनके छोटे छोटे टॉपिक आपको मिलेंगे। कैसे सर्च करना है तो आइए सर्च करके बताते हैं। टॉपिक का नाम लिखेंगे बाई चटर्जी सर, चटर्जी सर इज द की वर्ड। जैसे ही चटर्जी सर और आप टॉपिक डालेंगे, हिंदी में डाले या इंग्लिश में डाले, वो आपको वीडियो दे देगा, ठीक। तो पुराना वीडियो से भी आप इस्तेमाल उतना ही अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।